हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निक्स किचन ब्लॉग। निक्स किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कढ़ाई पनीर की सब्जी और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को मैंने इस तरह से क्यूब में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने काट लिया है। 10 लहसुन और थोड़े से अदरक को, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है इसे कट कर लेंगे रफली। थोड़ा सा धनिया पत्ता लेंगे और थोड़ा सा लेंगे हम काजू। काजू मेरे पास टूटा हुआ था तो मैंने इसी को यूज़ किया है। आप 8 से 10 काजू ले सकते हैं। हाफ शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लिया है। मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने रफली काट लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से मैंने काट लिया है। सूखे मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 10 से 15 काली मिर्च, 2 इलायची, 2 लौंग और 2 सूखी लाल मिर्च। इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हम 5 मिनट लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आप मीडियम फ्लेम पर इसे भून रहे हैं तो इसे कंटिन्यू चलाते रहें। जब इसमें से सोनी सोनी खुशबू आने लगे तो फटाफट से इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसे आपको पीस के पाउडर तैयार कर लेना है। फिर हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे हम रिफाइन ऑयल। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे पनीर और इसे हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो बिना फ्राई किए हुए भी आप पनीर यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्राई किया हुआ पनीर पसंद नहीं है तो आप कच्चे पनीर को भी डाल के बना सकते हैं, या आप चाहे तो इसे थोड़ा भी फ्राई कर सकते हैं या डीप भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्का फ्राई किया है पनीर को और इस तरह से पलट पलट के दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेंगे। वो पनीर लगभग रेडी हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। मैंने इस तरह का इसे फ्राई किया है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा फ्राई करना है तो इससे ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं, या पनीर को आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और फिर इसी पैन में हम मसाला तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर इसी तेल में हम डालेंगे प्याज, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में काट रखा था उस प्याज को डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जैसे आप पनीर चिली में डालते हैं उस तरह से। फिर इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का पिंक हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। फिर इसी में हम डालेंगे शिमला मिर्च और इसे भी हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो शिमला मिर्च भी हो गया है, इसे भी हम एक अलग प्लेट पे निकाल लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, प्याज और इसे थोड़ा सा भुनेंगे। प्याज और लहसुन को हल्का सॉफ्ट करेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे टमाटर और इसे सॉफ्ट होने देंगे। इसमें डालेंगे हम नमक। नमक डालने से प्याज टमाटर ये सारे जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसे हमें पीसकर पेस्ट तैयार करना है। इसे हम ढक देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट में आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम डालेंगे काजू और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे और फिर इन सबको हम एक दूसरे प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। फिर इसे हम पीसकर पेस्ट तैयार कर लेंगे।
तो कढ़ाई मेरा काफ़ी मैसी हो गया है, तो इसे हम धो के साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर लिया है मैंने कढ़ाई को। फिर हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और मैंने जो पेस्ट तैयार कर रखा था लहसुन अदरक टमाटर प्याज और काजू का, उसको हम डालेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और फिर हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले जिसे मैंने तैयार किया था, धनिया जीरा लौंग इलायची मिर्ची, और इसे हम भुनेंगे अच्छे से। इसे ढक देंगे ताकि जल्दी से ये मसाला रेडी हो जाए और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ने लगा है। इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज जिसे मैंने पहले फ्राई कर रखा था और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। ये घर का निकाला हुआ क्रीम है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीदा हुआ क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे पनीर और इसे मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और इसे ढक देंगे। 2 मिनट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें नमक कम था तो मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक और ऐड किया है। आप इसमें अपने स्वादानुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे क्योंकि नमक मैंने बाद में यूज़ किया है। तो बनकर रेडी है कढ़ाई पनीर, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।